यहाँ वहाँ ढूंढती रोशनी चांदनी, नजरें यहाँ वहाँ ढूंढती रोशनी चांदनी। ये चमक सारी सच नहीं, सच आता नजर नहीं, जानेगा कैसे सच है क्या, ज्ञान का दीप तू जला, अंधेरों से निकल। देर हो जाएगी बड़ी, जिंदगी खड़ी दो घड़ी, ज्ञान की रोशनी में देख खुशियां राहों में खड़ी, पल हाथों से जाए ना बीते पल ये आए ना, बात है ये पत की तेरे ही बल की, सुन मेरे साथी चल साथ मेरे तू सारे जलाए ज्ञान की बाती, नजरें यहाँ वहाँ ढूंढती रोशनी चांदनी। ये चमक सारी सच नहीं, सच आता नजर नहीं, जानेगा कैसे सच है क्या, ज्ञान का दीप तू जला, अंधेरों से निकल। अरे शादी में मैं कम से कम 4,000 की साड़ी लूंगी। हाँ मैं सर्कस पे एक रिपोर्टिंग कर रही हूँ, मैंने सर्कस के बाकी लोगों से बात की है, अगर आप परमिशन दे तो मैं कुछ तस्वीरें क्लिक कर लूँ और कुछ इंटरव्यूज ले लूँ। तुम्हें किसी भी लड़की के साथ देखकर मैं तो बहुत डर गई थी। दुनिया बहुत बड़ी है हीरा, यहाँ पर लोग एक दायरे में कैद है। टिंकी मित्तल, कहाँ खो गए मिस्टर हीरा? तुम क्यों आए हो? कमाल है, खुद ही याद करते हो और खुद ही बौखलाते हो। मैंने याद किया? मैंने कब याद किया तुम्हें? मैं तुम्हें भूल जाना चाहता हूँ। तुम मुझे कभी नहीं भूल पाओगे। क्यों नहीं भुला पाऊंगा? मैं अपने बचपन को भूल चुका हूँ। तुम मुझे कभी नहीं भूल पाओगे पप्पू, तभी तो डिंकी को देखते ही तुम बेचैन हो गए हो। सच है, ये डिंकी थी मेरे बचपन के साथ में। कितनी बदल गई आज, कितनी पढ़ी लिखी और फ्रेश लग रही थी। बचपन में कितनी भोली भाली लगती थी। नहीं, बहुत पढ़ी लिखी है, लाखों कमाती है। हाँ, बहुत आगे जा चुकी है। आज पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना पीछे रह गया हूँ, कितने पुराने माहौल में मैं जी रहा हूँ, जबकि डिंकी आज की औरत लगती है। कितना आत्मविश्वास और तेज था उसके चेहरे पर, कमाल का था। वो एक पढ़ी लिखी और सफल औरत का तेज था। तो क्या आज मैं जहां हूं वहां से कहीं और होता? नहीं, नहीं, मुझे अपनी जिंदगी मेरे तरीके से जीनी है। पैसे वाला ना सही, पढ़ा लिखा ना सही, आज मैं एक कलाकार हूं और यही मेरी एंबिशन थी। हाँ, लेकिन तुम जाओ, जाओ तुम जाओ, मैं गलत नहीं हूं। तुम जाओ, जाओ तुम, मैं गलत नहीं हूं। जाओ, जाओ। मैं जो भी हूं अपने बलबूते खड़ा हूं, जबकि डिंकी को उसके पति ने, उसके घर वालों ने बनाया है। मैंने अपनी लगन और अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी को बनाया है। क्या अंधेरे में बैठकर क्या बोले जा रहे हो पप्पू? नहीं, कुछ नहीं, पसीने में डूब गया तो क्या बात है, मुझे नहीं बताओगे? कोई बात नहीं है। कैसे नहीं है, तुम अभी किसी से बात कर रहे थे, तुम परेशान क्यों लग रहे हो? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है, क्यों मेरा दिमाग खा रहे हो? चौक गए ना तुम? हाँ। देखो वो सिनेमा नाटक में बोलते हैं ना, उस तरह से बात करने की मैं कोशिश कर रहा था, रिहर्सल कर रहा था मैं। तुम सच कह रहा ना?
हाँ, अरे मुझे अकेले अपने आप से बातें करना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा लगता है मुझे बहुत। देखो आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। सिर्फ सिर्फ क्या? सिर्फ ये आंसू है ना, अच्छे नहीं लगते तुमको। तुम भी ऐसा मजाक करते हो, मैं तो डर ही गई थी। सुनो, कल हमारी शादी है, तुम खुश तो हो ना? क्या ऐसी अजीब सी बातें करो, चलो उठो यहाँ से। क्यों? मम्मी कहती है कि रात को पेड़ों पर भूतों का ठिकाना होता है, कहीं कोई बुरी आत्मा तुम्हें पकड़ के ले गई तो। कोई भूत भूत नहीं होता। तुमने जवाब नहीं दिया मुझे, तुम खुश तो हो ना? हाँ, बचपन से तुम्हारा साथ रहा है और जब समझ आए तो तुम्हारे बगैर किसी और के बारे में सोचा ही नहीं। कहीं एक मामूली जोकर के साथ जो महीने में सिर्फ 3,000 कमाता हो, उसके साथ शादी करके तुम कहीं नाराज तो नहीं रहोगी ना? अब क्यों रुलाने पर तुले हो? कहीं तुम्हारा विचार तो नहीं बदल गया ना? उस मुंबई वाली ने तुम पे जादू तो नहीं किया ना? देखो, तुमसे अधिक सुंदर, अधिक भोली वाली प्यारी लड़की मुझे और कहाँ मिलेगी? मैं बहुत अकेला था ना, बहुत अकेला था। कल से हमारी नई जिंदगी शुरू हो रही है, उसके साथ साथ ये अकेलापन कहीं दूर होता नजर आ रहा है ना मुझे, दूर होता नजर आ रहा है। मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं। हाँ, नमस्ते, नमस्ते। ओहो, पूरे रात इस कार को सजाते रहे, फिर भी काम पूरा नहीं हुआ। जल्दी, ये बहुत गीला है, मैं ऊपर से कपूर नहीं लगा सकता और ये काम जल्दी नहीं होगा। नमस्ते, तुम देर करवाओगे, जल्दी करो ना, समय बीता जा रहा है। ओहो, सलामत मियाँ, ये क्या हाथी जैसी चाल चल रहे हो, जरा फुर्ती बताओ। अरे फुर्ती क्या, खाक दिखाऊं मोहतरमा, बस समझो कि कदम चल रहे हैं। दरअसल अंग्रेजों के जमाने का घी खाया है ना, इसीलिए पांव कमर से जुड़े हुए हैं, वरना टांगे हाथ में लेकर रेंगना पड़ता। क्यों मोहतरमा, आप जानती नहीं, 5 दिन से लगातार मशीन चला रहा हूँ, 2 मिनट के लिए भी पांव रुके नहीं। चलता हूँ तो ऐसा लगता है कि मशीन चला रहा हूँ, पांव में इस कदर दर्द है कि संभाल संभाल कर कदम रखता हूँ। हाय हाय, कुर्बान जाऊँ, इसी बात पर एक शेर अर्ज किया है, सुनाऊँ? शेर को अभी पिंजरे में बंद रखो और हमारे साथ चलो। ठीक है, अब तो सिर्फ इस नाम का सलामत रह गया हूँ, वरना पांव से लेकर पेशानी तक मेरे बदन का एक एक पुर्जा ढीला हो गया है। दरअसल सबके कपड़े सिलते सिलते मेरे दिमाग की सिलाई उखड़ गई है। राजू, राजू कहाँ हो तुम? मैं यहाँ, कुछ कहो तो सही, मैं तुम्हारी हर बात सुनने को तैयार हूँ। हमेशा मजाक करता है। अब नहीं करूँ, कुछ प्यार की बातें करना चाहती हो? शर्म कर, आज तेरे बेटे की शादी है। तभी तो कह रहा हूँ जेनी, शर्म कर। अरे बाप कुंवारा है और बेटे की शादी हो रही है, तो तुझे किसने रोका है? तू तैयार है? ओहो, चुप कर। पप्पू, पप्पू कहाँ हो तुम? कपड़े पहन रहा है, कपड़े तो पहनने दो। अरे जल्दी करो ना, देर हो रही है, पहले मंदिर जाना है फिर चर्च जाना है। लो आ गई दुल्हन, और दूल्हे राजा अब तक तैयार नहीं हुए। अब चलो भी जेनी, देर किस बात की है? हीरा कहाँ है? आता होगा। हीरा, चलो। तुमने बहुत बिगाड़ रखा है उसे अपने लाड़ प्यार से। तो अब तुम अपने दिमाग को सुधारो ना। लो आ गया मैं। तभी देर हो गई, चलो। आप देखिए, चले आप
मजा आ गया। सामने जी वाकई खाना बहुत अच्छा बना। अरे साहब ये मिनी ने बनाया और ये खाना बहुत ही बढ़िया बनाता है। अच्छा मम्मी ने सिखाया है? अरे मम्मी ने क्या सिखाया, मैंने भी तो दो तीन चीजें तुम्हें सिखाई है। जैसे जैसे क्या सिखाया आपने? अरे भाई वो चावल को कुकर में कैसे रखा जाता है, प्याज कैसे काटे जाते हैं, संतरे कैसे छीले जाते हैं, चाय कैसे बनाई जाती है, सब मैंने तो सिखाया है। बहुत मुश्किल काम चल रहा है। एक दिन साहब मिनी को सिरा बनाना सिखा रहे थे लेकिन बन गया उत्पाद। सामने साहब इसकी बात में मत जाइएगा, वो हुआ ये कि मैं वो शक्कर की जगह नमक डाल बैठा। नहीं तो शीरा ही बनने वाला था। लीजिए ना। चलो चलो बस इसके बाद मत देना। अरे नहीं नहीं अरे क्या बात, तो भी खिलाओ गंगू भाई। अरे नहीं मम्मी, अरे दूंगा नहीं, बस ले लो। वाह डैडी मैं पहले ही बहुत खा चुका हूँ। अभी तो फ्रूट सैलेड बाकी है। लो तब तो गया काम से। मैं अपने पेशेंट को सलाह देता हूँ कि ओवर ईटिंग मत करो। अरे पिछले दो महीनों से मैं डेली खुद ओवर ईटिंग किया जा रहा हूँ। अरे बेटा शादी के बाद तुम अमेरिका चले जाओगे, बात तुम्हें कहाँ ये पराठे मिलेंगे। तो डैडी आप और मम्मी जी भी चले ना हमारे साथ अमेरिका। हम कैसे आ सकते हैं बेटा? क्यों नहीं आ सकते मम्मी जी, अब यहाँ रहा ही कौन है? नहीं हमें तो सीखी मिनी भी वहाँ अकेली बोर हो जाएगी और आप लोग के साथ रहने से हमें भी वहाँ एडजस्ट होने में टाइम नहीं लगेगा। क्यों मिनी कमाल है, तुम भी तो कुछ बोलो ना, मैं ही बोले जा रहा हूँ। इसलिए क्योंकि मैं जानती हूँ मम्मी डैडी वहाँ नहीं आएंगे। लो तुमने तो पूरे डिस्कशन को फुल स्टॉप लगा दिया। अरे क्यों नहीं आ सकते मम्मी डैडी हमारे साथ? मोहन मैं जानती हूँ मम्मी डैडी तो क्या, इस घर के खिड़की दरवाजे भी भैया का इंतजार कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है वो दिन जरूर आएगा जब मम्मी डैडी मुझे फोन करके बताएंगे मिनी पप्पू आ गया। मैंने ठीक कह रही है, आज भी हमें पप्पू का बेसब्री से इंतजार है। हिम्मत मत हारिए मम्मी, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि भैया एक दिन जरूर वापस आएंगे। अरे हीरा कौन तो जाने दीजिए भाई। जाते हैं राजू, आप क्यों परेशान हैं? मियां बेटे के सुहाग रात में बाप तो परेशान होता ही है, मगर यहाँ मामला यूँ है कि दूल्हे का बाप अभी खुद कुंवारा है। दीदी अब तक तो हीरा को आ जाना चाहिए था ना? आ जाएगा, पर तू इतना परेशान क्यों हो रही है? नहीं रे, पर किसी के दिल की धक धक जो बढ़ रही है, क्या है ना? हाय, क्या शर्मा रही है। हम बाहर जाएंगे तभी तो हीरा अंदर आएगा ना। ऐसे कैसे आएगा, पहले हमसे मिलना पड़ेगा हीरा। तुमसे क्यों मिलेगा, शादी ऐना से की है, तुमसे क्यों मिलेगा? अरे पगली, पहले सालियों को भी तो खुश करना पड़ेगा। पहले हम अपने जीजू की जेब खाली करेंगे और तभी उसे अपनी बहन सौंपेंगे। हाय राम, पर इसमें अगर सारी रात बीत गई तो? वैसे भी तो टैंक की खिड़कियाँ बंद ही रहेंगी, रात और दिन का पता कैसे चलेगा। हाँ और ऐना जैसी खूबसूरत बीवी की बहू में होगी, उसके लिए तो दिन भी रात जैसा ही होगा, क्यों है ना? हाँ तो बहुत छेड़ती हो तुम लोग। हाय क्या लाली है चेहरे पर। जाओ ना। हाँ हाँ अब तो सिर्फ हीरा का इंतजार है, पर ऐना इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं हम तुम्हें। ए चल तेरा क्या काम है यहाँ? मैं तुम लोग को बाहर लेके जाने के लिए आया हूँ। क्यों, तुमको मतलब रात कितनी हो रही है? तो तुम क्यों जाग रहे हो? और वैसे भी छोटे बच्चों को जल्दी सो जाना चाहिए। देखो मेरे को गुस्सा मत दिलाओ, रघुनाथन जी ने कहा है सबको बाहर लेके आने के लिए। चलो हमें बाहर बुलाया। नहीं आना नहीं आएंगे, आना इधर ही रहेंगे। आप लोग चलो मेरे साथ। हम और अकेले? अरे वो अकेला क्यों बाहर आ गया? वो सब आने के लिए तैयार नहीं है। तैयार कैसे नहीं है? मैंने सबको बहुत डांटा। मियां आप बेकार में गुस्सा मत किया करो, कहीं किसी हसीना ने उठाकर तुमको अपनी गोद में बिठा लिया तो फिर क्या करोगे? अब बहुत हो चुका, मैं सबको बाहर निकाल दूँ। मगर जरा प्यार से, सुहागरात का माहौल है, हंसी मजाक का मौका है, कहीं किसी के दिल को चोट ना लगे। इसी बात पर एक शेर अर्ज किया है। तुम अपना शेर पिंजरे में रखो ना सलामत मियाँ, जा यानी तू जा। चलो हीरा।
क्या है? अभी तक क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ? जेनी तुम बाहर जाओ, हमें हीरा से कुछ बात करनी है। अब और मत सताओ, चलो। नहीं, तुम बाहर जाओ, हम अभी आते हैं। प्लीज जाओ ना जेनी। हाँ तो दूल्हे राजा, अब हमारी छोटी सी जिद पूरी कर दो, बस मुंह दिखाई दे दो। वो क्यों? वो क्यों, वरना हम पूरी रात यहीं पर। क्या बात करती हो यार, तो चलो फटाफट जेब में हाथ डालो और पूरे 500 रुपए निकालो। 500 नहीं, 1000। 1000 रुपया दो। ए, 1000 बहुत ज्यादा होता है यार। ठीक है तो 2000 देने। नहीं नहीं नहीं, फिर 1000 ले दो। एक मिनट ठहरो, ठहरो जरा, ठहरो, निकालो निकालो। हाँ ठहरो ठहरो ठहरो। हाँ दे दे दे। हाँ, एक मिनट। अब गिनने की क्या? अबे ठहरो ना। हाँ चलो ले लो। हाँ, जाओ। गुड गुड। हाँ, अब हमें एक वचन दो। क्या? कि तुम सारी जिंदगी ऐना को खुश रखोगी। हाँ मैं कोशिश करता हूँ, जाओ तुम लोग। अब जाना। हाँ बाय ऐना, डर तो नहीं लगेगा ना? नहीं नहीं लगेगा, मैं हूँ, जाओ। अरे ऐना, अरे जाना, एक बात कह दो। जाओ अभी, बहुत जरूरी बात कहना। बाय ऐना, ऑल द बेस्ट। जाना बाबा, पाव पट्टा हो, जाओ चलो जाओ। हाँ, चलो ए। लड़की को 1000 रुपया दिया और मेरे को? तेरे को क्या है? 500 रुपया, मैं छोटा हूँ ना। 500 रुपया? हाँ। छोटा है इसके लिए? हाँ। तू भी बहुत परेशान करता है, बहुत नाटक बढ़ गए तेरे। ये ले, चल 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 ले, जा चल जा, बाहर जा। हाँ किसी को भेजना नहीं अंदर? हाँ वरना हम दोनों बाहर आके बैठेंगे। हाँ देखना नहीं। हाँ हंसी बहुत प्यारी है और मैं हमेशा ये कोशिश करूंगा कि यह हंसी तेरी सूरत पर ऐसी बनी रहे। होगा क्यों? इतनी जल्दी नींद कैसे खुल गई महारानी की? हाँ अब तो हीरा से शिकायत करनी पड़ेगी। तुझे क्या करना है? तू क्या चौकीदार है हीरा का? हाँ, राजू ने कहा है बुरी नजर वालों से अना की और हीरा की हिफाजत करना। अरे यार रुक, अभी बताती हूँ। अरे रुक रुक डैनी, डैनी रुक, डैनी क्या हो रहा है? डैनी हीरा, हीरा, हीरा उठो ना, देख मैं तुम्हें दूसरी बार उठा रही हूँ। अब मैं तुम्हें नहीं उठाऊंगी, तुम्हारी चाय ठंडी पड़ गई तो मैं उसे फिर से नहीं गर्म करके लाऊंगी। हीरा भी उठते हो या ठंडा पानी डाल दूं? अरे क्या कर रहे हो, कोई आ जाएगा, दरवाजा खुला है। हमारे शादी को अभी 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए ना। 24 घंटे के बाद भी दरवाजा बंद रखना चाहिए, वरना कोई आ जाएगा ना। तो आने दो ना, सबके सामने तो मैंने शादी की है तुमसे। मगर हीरा, मैं देख, बेशरम हो तुम, मैंने कहा था ना तुमसे कोई आ जाएगा, लेकिन तुम हो के मेरी कोई बात ही नहीं मानते। हीरा मैं अंदर आओ। हाँ आइए आइए, अब लाइन क्लियर है। गुड मॉर्निंग। अरे तुम क्या सुना रही हो, शाम तो हमें आनी चाहिए जो हम लोग बिना आवाज दिए अंदर चले आए। मगर अच्छी आदत हमने आए नहीं। चुप कर, चल जा सामान उठा। सामान लेकर कहाँ जा रहे हो? अब बाहर तो जाना ही होगा, रात भर अपने देह को मच्छरों से जो कटवाया है। हमारे लिए नया टेंट बनाया जा रहा है। चल तू यहीं रहेगा? नहीं तो चल। अब अना के यहाँ होने से हमें कोई भी चिंता नहीं, चल
चलते हैं, ऐसे भी हम सामने ही टेंट में हैं, ठीक है, चलो ना, चल। राजू अंकल बहुत समझदार है ना? पता नहीं। नहीं पता? नहीं 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 मैं समझा। अरे नहीं, निशाना चूक ना जाए। अरे बाप रे बाप, देखिए द डेंजरस रोप स्लाइडिंग। पप्पू खाना। क्या बात है पप्पू, क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूं कि बचपन में कभी एक मुहावरा सुना था, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना। तब लगा था कि क्या बेवकूफी की बात है, भला कोई आदमी खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार सकता है? मगर आज ऐसा बेवकूफ आदमी सामने दिखाई दे रहा है मुझे। कौन? मैं खुद हूं वो बेवकूफ आदमी। क्यों अपने आप को कोस रहा हूं? कोस नहीं रहा हूं, सच कह रहा हूं। बचपन में जब मेरे माँ बाप मुझे पढ़ाना चाहते थे, तब लगता था कि क्या ये सब बेकार की बातें हैं। आज मुझे समझ आ रहा है, पढ़ाई के बिना जिंदगी ऐसी होती है जैसे कि पानी के बिना समुंदर, एक उजाड़ बंजर रेगिस्तान। बस जो होना था सो हो गया, अब इसे लेकर परेशान होने से क्या फायदा? तुम ठीक कह रही हो प्रकाश, कोई ऐसा तरीका होता जो बीता हुआ वक्त वापस ला सकता, मैं अपने बचपन में वापस जा सकता। अगर ऐसा हो सके तो मैं फिर से बच्चा बन जाऊं और इतना पढ़ूं कि मेरे माता पिता की सारी तमन्नाएं पूरी हो जाए। बचपन में वापस जाना तो अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन तुम चाहो तो अभी भी पढ़ सकते हो। अब इस उम्र में क्या पढ़ाई करूंगा, लेकिन फिर भी देखो आना, इन बातों को छोड़ दो, खाना खा लेते। हीरा, हीरा, क्या है? कहाँ रह जाते हो?
अब आपको गुदगुदाने के लिए आए हैं जोकर राजू और हीरा। है ना बेटी? ओ मम्मी, आज शो पे नहीं गई? नहीं, आज मैंने छुट्टी ली है। क्यों? मुझे तुमसे बात करनी थी। तो छुट्टी लेने की क्या जरूरत थी, शो के पहले आ जाती। उस टाइम तो पप्पू घर में होता है और मुझे तुमसे अकेले में बात करनी थी। ऐसी क्या बात है जो आप पप्पू से सीक्रेट रखना चाहती हैं? बात पप्पू के ही बारे में है। क्या तुम्हारे घर में सब ठीक तो है ना? मतलब तुम्हारे और पप्पू के बीच कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं। तुम्हें ऐसा क्यों लगा मम्मी? कुछ दिनों से पप्पू कुछ उखड़ा उखड़ा सा लग रहा है। हाँ, वो किसी टेंशन में है। क्यों? उसे लगता है कि बचपन में पढ़ाई छोड़कर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर ऐसी बात है तो अब क्यों नहीं पढ़ लेता? मैं भी उसे यही समझाती हूँ मम्मी, लेकिन वो सोचता है कि अब पढ़ाई का वक्त निकल गया। पढ़ाई का वक्त कभी नहीं निकलता बेटी। इस छोटी सी जिंदगी में जब आँख खुल जाए तभी सवेरा समझना चाहिए। मैंने भी उन्हें ये बात समझाने की बहुत कोशिश की माँ, लेकिन वो समझते ही नहीं है। ठीक है, इस बार मैं समझाने की कोशिश करती हूँ उसे। अनपढ़ जो भी रहेगा हाथ वो मलता रहेगा, दुनिया चांद छुएगी बस वो देखा करेगा। दोष किस्मत का नहीं है, तेरी लगन में कमी है। बात है ये पते की तेरे ही भले की, सुन मेरे साथी चल साथ मेरे, तू सारे जलाए ज्ञान की बाती। नजरें यहाँ वहाँ ढूंढती रोशनी चांदनी।